कैसे हैं तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पिक्सआर्ट के अंदर हम अपनी पिक्चर को बॉक्स इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए इस क्लास के साथ और देखें बॉक्स इफेक्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने इफेक्ट्स मेन्यू को ओपन करेंगे। तो जैसे ये देखें सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमें ये देखें रिसेंटली फ़िल्टर नज़र आएंगे और ये हमारे न्यू फ़िल्टर है जो पिक्सआर्ट में देखेंगे, ये इफेक्ट्स है। और यहाँ इसे थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉप आर्ट। ये देखें ये पॉप आर्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके बहुत सारे आपको प्रीसेट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस पर आज हमने काम करना है वो दो तीन ऐसे फ़िल्टर इफेक्ट हैं जिनसे मैं आपको ये सिखाऊंगा, जिससे आपको मैं ये सिखाने वाला हूँ कि हम अपनी पिक्चर्स पर बॉक्स इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। ये देखें दोस्तों, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी ऑफ ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड है और एक यहाँ पर ये देखें पॉप आर्ट कलर्स, पॉप आर्ट टू, ठीक है। ये दो तीन फिल्टर हैं, इनके मतलब तो हम क्लिक करते हैं ऑफ ग्रिड को। यहाँ देखिएगा इसका कैसा अफेक्ट एक अमेजिंग सा नज़र आएगा हमें। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग से हमें एक पिक्चर की लुक नज़र आ रही है और हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी सेटिंग को। जैसे हम इसे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, अगर दूसरी मरतबा हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी सेटिंग का आपको आइकन नज़र आ रहा है, इसके सारे मेन्यूज़ आपको शो होंगे जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका एक साइज़ आ रहा है, इस साइज़ को हम इसकी ग्रिड को बढ़ा सकते हैं, साइज़ को कम कर सकते हैं, ये चीज़ आपको दिखने को यहाँ मिलेगी। अब ये देखें मैंने साइज़ का जो है फुल बड़ा कर दिया है, अब यहाँ पर ये फुल यानी कि मिनिमम है। तो ये इसके हैं डिसोल्व। क्या चीज़ है ये, किसी किसी जगह पर इसकी जो है ग्रिड की उसको ये हाइड कर देगा और किसी किसी जगह से ये पिक्चर को वाज़ह करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल ये देखें बहुत ही मज़े की ये चीज़ है, ठीक है, इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस थोड़ी सी जो ग्रिड है इस सॉरी डिसोल्व इसको यूज़ करेंगे, इसके साथ ये चीज़ बनती है दोस्तों। ये देखें बहुत ही मज़े की ये एक ऑप्शन है हमारे लिए। अब इसमें हम और क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकते हैं, वो ये तरीका है, आप इस रेज़र टूल पर आएँ। ये देखें ये रेज़र टूल है, रेज़र टूल को जैसे हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारी मिल रही हैं। हम सिर्फ लेंगे रेज़र टूल यहाँ से, इन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इन्वर्ट करना है तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्ट करके देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी एक दफ़ा मैंने यहाँ पर मेरा दूसरा ब्रश लग चुका था, इन्वर्ट करते हैं ऐसे। यहाँ से हम ब्रश पर आते हैं, इसका साइज़ बढ़ाते हैं और हार्डनेस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने एक और अमेजिंग चीज़ बन चुकी है। तो इसको हम अब थोड़ा सा हुई में चेंज करेंगे, कलर्स में चेंज करेंगे। ये देखें ये इसके कलर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं। अब हम थोड़ा सा डिसोल्व पर आके थोड़ा सा काम करते हैं, इसको साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये देखें बहुत ही प्यारी ये पिक्चर लग रही है। तो इस तरह की चीज़ बनाने के लिए आपको ये जो है पॉप आर्ट का फिल्टर ऑफ ग्रिड बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और अब हम आते हैं इस पर पॉप आर्ट कलर्स पर, ये क्या चीज़ है। एक दफ़ा हम इसे डिस्कार्ड करते हैं, अब हम इसे एक दफ़ा फिर इफेक्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम पॉप आर्ट पर, पॉप आर्ट के आखिर में आते हैं, यहाँ पर है ये कलर पॉप आर्ट कलर्स, इसे हम क्लिक करते हैं। इसके अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप इसका फेड 100% तक लेके जा सकते हैं। अगर इसका आपको दूसरा कलर्स चाहिए तो ऐसे कलर भी आ सकते हैं। और उसके साथ एक और ऑप्शन है, वो पॉप आर्ट है, ये पॉप आर्ट कलर्स है, ठीक है। हम पॉप आर्ट को क्लिक करते हैं, इसकी देखें काफ़ी सारी सेटिंग्स हमें मिल रही हैं। इसमें ये देखें अभी चार पिक्स लगी हुई हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन चारों के उन्होंने दूसरा कलर दिए हुए हैं, आप वन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू को भी, थ्री को भी, कि जिस तरह के आपको इनके कलर चाहिए होंगे आप उस तरह की एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इनकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसकी तकरीबन यहाँ तक सैचुरेशन चाहिए। अब ये जो ये वाली पिक्चर है, ये वाली, इसका थोड़ा सा कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। यहाँ से अब ये देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से टू नंबर साइज़ की पिक्चर है, ये सॉरी टू नंबर पिक्चर है ये। ये देखें यहाँ से इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कलर है ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम आते हैं इस अफेक्ट पर, ये जो है पॉप आर्ट टूल, इसको क्लिक करते हैं।
अब ये देखें इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, इसमें ये देखें फेस जो है ना हमारा वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, किसी भी पिक्चर में। यहाँ हम सेटिंग में आएंगे और इसकी पोजीशन को राइट या लेफ्ट की तरफ करके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी जो पोजीशन है सेट हो चुकी है। और इसमें आप एक और अमेजिंग काम कर सकते हैं, दोबारा हम चलते हैं इस रेज़र टूल पर। जैसे हम रेज़र बढ़ाते हैं या इस रेज़र को क्लिक करते हैं, साइज़ को बड़ा करते हैं और हार्डनेस को कम करते हैं, फुल कम, तो ये देखें दोस्तों एक ये चीज़ है। ब्रश टूल ले लें, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, फिर रेज़र टूल ले लें, थोड़ी सी आप सेटिंग करें इसकी, साइज़ छोटा कर लें, हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा कर लें, तो ये चीज़ मिलेगी यहाँ पर आपको। तो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आप मेरी क्लासेस देखा करें और बहुत अमेजिंग अमेजिंग अफेक्ट्स के मतलब एडिटिंग के मतलब सीखते रहें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी से।